चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताजा और टुडे ब्रेकिंग न्यूज को। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस का एक्शन, भाजपा नेत्री के घर पर चलवाया बुलडोजर, माँ बेटों समेत सभी आरोपी फरार। दूसरे राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटी सपा, अखिलेश की मध्य प्रदेश पर नजर, खजुराहो में करेंगे रैली। उत्तर प्रदेश में 28 दारों का एक प्लाटून, पीएससी, 75 हेड कांस्टेबल, पुलिस और एटीएस के हवाले, यूपी का अघरनाथ मंदिर। अतीक अशरफ कांड का मामला अब सेशन कोर्ट में चलेगा, वीसी से हुई तीनों आरोपियों की पेशी। बनारस में अब टमाटर का शिवलिंग बनाकर पूजा, पुलिस ने बीच में रोकी, बाउंसर मामले से अफसर सतर्क। आजम खान को बड़ी राहत, वापस मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा, यूपी सरकार ने लौटाया गनर। धर्म बदल कर सद्दाम बना रंजीत, फिर अलकायदा से जुड़ा, एटीएस से पूछताछ में संदिग्ध आतंकी ने किए कई बड़े खुलासे। आखिरकार ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे पर तोड़ दी चुप्पी, बच्चों को लेकर कही ये बड़ी बात। मौसम अपडेट। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में 4 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी, हुआ अलर्ट। भर और राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को मिला 2 माह का और समय, हाईकोर्ट ने कहा। बारिश और बाढ़ का कहर जारी, नैनी राप्ती गंगा समेत 15 जोड़ी ट्रेनें 4 दिन रहेंगी बंद। बागपत ने टूटा तटबंध, हुआ विकराल, दिल्ली की तरह होगा गाजियाबाद का हाल, सीमा में घुसने लगा पानी। उत्तर प्रदेश में बस्ती लखनऊ हाईवे पर डीजे की तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाए कांवड़िए, एक चल बसा, दूसरा गंभीर, प्रतियोगिताओं के दौरान हुई घटना। मेरे बच्चों के बोर्ड के पेपर, कॉपी किताब भी बाढ़ में बह गई, सीएम योगी से मिलकर बाढ़ पीड़ित महिला ने बयां किया दर्द। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर फैसले का समय, वाराणसी की अदालत में सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को आदेश संभव। सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात, आरिफ को देखते ही बेताब हो गया सारस, चोंच में दबाली उंगली, देखे फोटो। 109 रुपए खर्च, 800 में बिक्री, 600 का शुद्ध लाभ, सीएम योगी ने आम किसानों को समझाया एक्सपोर्ट का गणित। लोकसभा चुनाव, यूपी में 1/4 सांसदों के टिकट काट सकती है बीजेपी, लिस्ट तैयार, जयंत के लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। 2024 में बरेली सीट से किसे मिलेगा मौका, राजेश अग्रवाल ने सांसद संतोष गंगवार की उम्र को बनाया हथियार। सीमा भावी से मिलने वालों का रखा जा रहा रिकॉर्ड, रजिस्टर में एंट्री के बाद ही मुंह दिखाई। उत्तर प्रदेश में ऐसे 2 स्कूलों को आपस में जोड़ेगी योगी सरकार, अलग अलग की बजाय एक ही होंगे हेडमास्टर, नया आदेश जारी। रंभा और इल्सा खोलेंगे चंदा मामा के राज, चंद्रयान 3 में यह अच्छा उपकरण है बेहद खास। यूसीसी पर अब इस दिन तक दे सकते हैं अपनी राय, विधि आयोग ने बढ़ाई तारीख। मियां मुसलमान के चलते ही तो सब्जियां हुई महंगी, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर विवाद। 300 रुपए किलो बिकेगा टमाटर, अभी कीमतों में बनी रह सकती है तेजी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डाकघर में मिल रहा है गंगा जल, 200 मिली की बोतल मिल रही 30 रुपए में, ऐसी मंगवाएं ऑनलाइन। इन लोगों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। यूपी में अग्निवीर बनने का फिर मौका, अगले महीने 13 जिलों के युवकों को मिलेगा मौका। चलिए अब एक एक करके जो बड़ी खबरें हैं उनको जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। अलीगढ़ में पुलिस का एक्शन, भाजपा नेत्री के घर चलवाया बुलडोजर, माँ बेटों समेत सभी आरोपी फरार। दरअसल अलीगढ़ जिले में गोंडा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए नरेंद्र चौधरी कांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को नामजद करते हुए 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में शामिल आरोपी सोनिया प्रधान भारतीय जनता पार्टी की भी पदाधिकारी हैं। पुलिस ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा कर मकान का एक हिस्सा भी तुड़वाया। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई। दूसरे राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटी सपा, अखिलेश के मध्य प्रदेश पर नजर, खजुराहो में करेंगे रैली। जी हां, दूसरे राज्यों में पांव पसार रही भी समाजवादी पार्टी की निगाहें पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी यहां जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 व 6 अगस्त को खजुराहो जाएंगे। पहले दिन वह वहां मध्य प्रदेश सपा कार्यकर्ता शिविर में शामिल होंगे। अगले दिन वह खजुराहो में रैली कर चुनावी हुंकार भी भरेंगे और पीटीए का संदेश देंगे। यूं तो सपा काफी समय से वहां अपनी गतिविधियां बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन अब विपक्षी एका की मुहिम के चलते उन्हें यहां भी रणनीति बदलनी पड़ सकती है।
उत्तर प्रदेश के बनारस में टमाटर का शिवलिंग बनाकर पूजा, पुलिस ने बीच में रोकी बाउंसर मामले में अफसर सतर्क। जी हां, टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर तरह तरह से विरोध हो रहा है। अब बनारस में टमाटर की सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात करने का मामला सुर्खियां बना तो अधिकारियों की जमकर किरकिरी हुई। वहीं सब्जी वाले को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने जमानत भी दे दी। अब बनारस से ही टमाटर का शिवलिंग बनाकर पूजा करने का मामला सामने आया। बाउंसर मामले से सतर्क पुलिस ने पूजा नहीं होने दी। पूजा कर रही अपना दल कमेरावादी के नेता और बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा को जबरिया थाने ले जाने की कोशिश हुई। आजम खान को बड़ी राहत, वापस मिली वाइस श्रेणी की सुरक्षा, यूपी सरकार ने लौटाया गनर। जी हां, यूपी सरकार ने पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की वाइस श्रेणी की सुरक्षा को आज सुबह ही बहाल कर दिया। राज्य सरकार के निर्देश पर सुरक्षा निदेशालय ने आजम खान की सुरक्षा को वापस ले लिया था। वहीं पूर्व मंत्री आजम खान हेड स्पीच मामले में सजा हो चुकी है, इसी के चलते इनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि इसके चलते उनकी सुरक्षा को वापस लिया गया था। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने मुखर होकर विरोध किया, लेकिन आजम खान की सुरक्षा के मद्देनजर वाइस रेडी की सुरक्षा वापस बहाल कर दी गई है। इसकी सूचना रामपुर जिला प्रशासन को भी दे दी गई है। आखिरकार ज्योति मोहरा ने मनीष दुबे पर तोड़ दी चुप्पी, बच्चों को लेकर भी कही है बात। जी बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मोहरा पिछले कई दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। पिछले महीने उनके पति आलोक ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया लिखाया और फिर जब वह SDM बन गई तब उन्होंने मनीष दुबे से अफेयर शुरू कर दिया। ज्योति मोहरा ने कई दिनों तक चुप्पी साधे रखी। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने आलोक पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ज्योति का आरोप है कि आलोक ने उनकी व्हाट्सएप अकाउंट को हैक किया है, वहीं बाद में कंप्रोमाइज के लिए ऑफर भी दिया। इसके अलावा ज्योति ने मनीष दुबे पर भी चुप्पी तोड़ी है और बच्चों पर भी बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने बात करते हुए कहा कि आलोक ने 10 महीने तक मेरे व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करके रखा था। इस वजह से जो मैंने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस किया हुआ है उसमें IT एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा आलोक व उसका परिवार मुझसे पैसों, कार, घर की भी मांग करता है। हालांकि ज्योति ने दहेज उत्पीड़न के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी शादी के 7 साल ज्यादा हो गए हैं, इस वजह से दहेज उत्पीड़न की धाराएं हट जाएंगी। चूंकि मैं 50 लाख रुपए कार, घर के आरोप लगाए हैं, इस वजह से पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की धाराएं लगा दी है। लखनऊ समेत यूपी के 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी, हुआ अलर्ट। जी हां, आने वाले दिनों में करीब करीब पूरा उत्तर प्रदेश भारी बारिश की चपेट में आने वाला है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के दोनों हिस्सों में जमकर बारिश होनी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। इस क्रम में बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास बहुत भारी बरसात से सचेत रहने को कहा गया है। वहीं लखनऊ समेत 50 से अधिक जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ बारिश के साथ बिजली गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, तो सावधान रहिए और घर में रहें। भर राज भर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को मिला 2 माह का और समय, हाई कोर्ट ने कहा। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भर एवं राजभर जातियों को ST/ST का दर्जा देने से जुड़े केंद्र सरकार की 11 अक्टूबर 2021 के पत्र के संदर्भ में 4 माह में अपना प्रस्ताव केंद्र को भेजने के संदर्भ में 2 माह का समय और दे दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जागो राजभर जागो समिति की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी व स्थायी अधिवक्ता को सुन कर दिया है। ज्ञानमापी परिषद के सर्वे पर फैसला का समय, वाराणसी की अदालत में सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को आदेश संभव। जी हां, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानमापी परिषद के सर्वेक्षण पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आज सुनवाई पूरी कर ली। ज्ञानमापी परिषद स्थित सील वजूखाने को छोड़ अन्य हिस्सों का रडार और डेटिंग पद्धति से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अर्जी दे दी गई है। अदालत 21 जुलाई को इस पर आदेश सुनाएगा। अदालत ने 4 महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली। सीमा भाभी से मिलने वालों का रखा जा रहा रिकॉर्ड, रजिस्टर में एंट्री के बाद ही मुंह दिखाई। जी हां, पबजी पार्टनर के प्यार के लिए पति और वतन को छोड़ 4 बच्चों संग नेपाल के रास्ते भारत आई पाकिस्तान की सीमा हैदर आज दुनिया भर में छाई हुई है। मीडिया भी सीमा हैदर और उसके भारतीय प्रेमी की कहानी में खासी दिलचस्पी ले रहा है और इसी के चलते उसे देखने और मिलने वाले भी सैकड़ों की तादाद में रोज रबपुरा स्थित सीमा के ससुराल पहुंच रही है। लोगों में सीमा को देखने और उससे मिलने का यह क्रेज अब परिवार के लिए सिरदर्द बन गया।
गया है। अब इनके बीच जहां सीमा और सचिन ने मीडिया से थोड़ी दूरी बना ली है, वहीं उसके परिवार ने मुंह दिखाई के लिए आने वालों का भी रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तान बहू के नाम से प्रसिद्ध हो रही सीमा हैदर की मुंह दिखाई आज शुरू हुई। इस दौरान सचिन के परिवार ने सीमा को देखने के लिए घर आने वालों के कुछ नियम बना दिए। इसके लिए घर के बाहर एक रजिस्टर रखा गया है, जिसमें एंट्री कराने के बाद सीमा से मिलने की इजाजत दी जा रही है। अभी यूपी के इन ऐसे दो स्कूलों को आपस में जोड़ देगी यूपी सरकार, अलग की बजाय एक ही होंगे हेडमास्टर, नया आदेश जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक ही परिसर में चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अब हर हाल में समिलय करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक ही परिवार में चल रहे बेसिक शिक्षा के दो स्कूल और दो समांतर व्यवस्था से होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है। इन लोगों को 4-4 लाख रुपए देगी योगी सरकार, सीएम योगी की बड़ी घोषणा। जी हां, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ और जल जमाव के कारण सहारनपुर में 7 लोग की जान गई है, उन परिवारों के प्रति उनकी पूरी संवेदना है। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बाढ़ और अतिवृष्टि में जान गंवाने वाले आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वेस्ट यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर और गाजियाबाद के कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। सीएम ने कहा है कि इस आपदा के बीच वेस्ट यूपी में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कांवड़ लेकर चल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आस्था के साथ ही सभी के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज की ताजा अपडेट के लिए यूपी खबर जानकारी को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।